अजीत सिंह हत्याकांड में एक बड़ा नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि अजीत सिंह पर हमला करने के पीछे पूर्व सांसद धनंजय सिंह का हाथ हो सकता है। इस नाम का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर एके सिंह ने गैंग वॉर में घायल शूटर का इलाज के लिए उनके पास पहुंचे। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि अजीत सिंह ने ही उन्हें फोन कर इलाज के लिए कहा था। आपको बता दें कि झड़प में घायल शूटर अपने इलाज के लिए सुल्तानपुर के डॉक्टर एके सिंह के पास पहुंचा हुआ था। डॉक्टर एके सिंह ने कहा उन्हें यह नहीं पता था कि घायल व्यक्ति कोई अपराधी है और उसे गोली लगी है। डॉक्टर से मिली जानकारियों के बाद पुलिस यह अनुमान लगा रही है कि आखिर धनंजय ने शूटरों को सहायता उपलब्ध क्यों कराई। इतना ही नहीं, उन्होंने शूटर को पुलिस से बचाने का भी काम किया है। माना जा रहा है कि पुलिस इस मामले को लेकर जल्द ही धनंजय को नोटिस भेज सकती है। वहीं मामले की पूछताछ के लिए पुलिस तैयारी में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने सुल्तानपुर के डॉक्टर एके सिंह को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, जिसके बाद बीते सोमवार को डॉक्टर एके सिंह विभूतिखंड थाना पहुँचे थे। डॉक्टर एके सिंह ने पुलिस को बताया कि पूर्व सांसद ने रात करीब 2 बजे उन्हें फोन किया था। कहा था कि विपुल किसी व्यक्ति को लेकर आ रहा है, उसके पेट में सरिया घुस गया है, उसका उपचार कराना है। डॉक्टर एके सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने अपने अस्पताल के डॉक्टर संजय सिंह को तत्काल इलाज कराने का निर्देश दिया था। वहीं 5 घंटे तक की पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टर एके सिंह के बयान दर्ज किए गए हैं। उन्हें शाम करीब 7 बजे तक छोड़ा गया है। रिपोर्ट, वीडियो डेस्क, newstrack.com।